नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। और आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों वुमेन सीनियर वनडे ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला और आज के दिन का पहला मुकाबला जो मैच खेला जाएगा टीम सौराष्ट्र वुमेन वर्सेस टीम बड़ौदा वुमेन के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स कैसे हैं और साथ में आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनका सिलेक्शन काफ़ी कम है लेकिन वो बेस्ट चॉइसेस हैं किसके लिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो ओवरऑल ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी मेरे भाई लोग इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और विन करना चाहते हैं, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पे कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाओगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में चैनल का नहीं मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं स्टैट्स की और उसके बाद आपको टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सौराष्ट्र वुमेन की मैं बात करूं तो इनकी ओर से प्लेयर निकल के आती हैं पीएस निवावत। इनके आप लास्ट मैच के परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ये बैटिंग भी करेंगी, बॉलिंग भी करेंगी, इसके अलावा ये ओपन भी करने आ जाएंगी। तो पहले मैच में इन्होंने देखिए 5 रन 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 61 रन है, तीसरे मैच में इनके नाम 14 रन 2 विकेट हैं। तो ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी। आर उपरल की बात की जाए तो इनके लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंस एवरेज रही है 5, 6, 16, 20। जडेजा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 53x 42 यानी एक्स का मतलब है नॉट प्ले। आर सवास्दिया की बात की जाए तो 33 9 22। के अनुवादिया की बात की जाए तो ये भी स्टार्टिंग के 2 मैच नहीं खेले और 1 मैच में 4 रन है। टी धरानी इंपॉर्टेंट प्लेयर देख सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग लगातार दो हर एक मैच में इन्होंने कराई हुई है, तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है। एंड चावड़ा भी यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग करके दे रही हूँ। काफ़ी कमाल की इनकी बॉलिंग के, इन्होंने 3 मैच में विकेट्स निकाले हैं और सभी मैच में 1 से ज़्यादा विकेट हैं इनके नाम। आरबी धवी की मैं बात करूं तो इनका भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो ये भी मेन बॉलर है इनकी। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूंगा मुदवादिया की, तो आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, इनका भी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो यहाँ पर सौराष्ट्र की ओर से देखिए जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो यहाँ पर देखिए निमावत हो सकते हैं, इसके अलावा टी धरानी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, चावड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और धबी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उनकी ओर से ये जो 4 प्लेयर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर बात की जाती है बड़ौदा की तो उनकी ओर से आती हैं बीडी श्रुति, जिनके नाम दोस्तों 6, 27, 40 रन है और ये आपको ओपन करते हुए नजर आ सकती हैं। आर ए पटेल इनके नाम 31, 8, 66 रन है, ये भी आपको ओपन करते हुए नजर आ सकती हैं। ए जोसफ के नाम दोस्तों 76, 13, 2 रन है। आर रावत के नाम दोस्तों 32 रन है, विकेट नहीं है, 2 रन है, विकेट नहीं है, 2 रन है, विकेट नहीं है, पर बैटिंग बॉलिंग कराएंगी ये। टी पठान की मैं बात करूं तो 3 रन 0 विकेट 3 रन 0 विकेट 19 रन 1 विकेट। जे फर्नांडिस की बात की जाए तो ये भी ओपन करने आ सकते हैं लेकिन लास्ट मैच की परफॉर्मेंस आप देखें तो 3 मैचेस में 1 भी रन इन्होंने नहीं बनाया है। एच पटेल की मैं बात करूँ तो 36, 3, 16 रन है इनके नाम। जे मोहिते भी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो यानी ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। टी शेख की मैं बात करूँ तो 4 विकेट 25 रन 1 विकेट 14 रन 1 भी विकेट नहीं। केशाक की बात की जाए 1 विकेट और 3 विकेट और रेखा की मैं बात करूँ तो 2 विकेट 1 विकेट। तो इनकी ओर से अगर मैं प्लेयर्स इनके देखूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो यहाँ पर देखिए श्रुति इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, या जोसफ इंपॉर्टेंट है, रावत इंपॉर्टेंट है, पठान इंपॉर्टेंट है, मोहिते शेख है इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे केशा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी ओर से देखिए जो बड़ौदा की टीम है वो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और इसी के विन करने के चांसेस भी मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे बड़ौदा टीम वुमेन जो हैं आप उनके प्लेयर्स के स्टेट्स के आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको कहीं पे जाके नोट डाउन कर सकते हो, और आप यहाँ पे चाहें तो सौराष्ट्र वुमेन के भी स्टेट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको भी जाके आप लोग कहीं पे भी नोट डाउन
कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो भाइयों वीडियो को लाइक नहीं किए हो अभी तक तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लो ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूं 7000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेम्बर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में चैनल का नहीं मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब चलते हैं एप्लीकेशन की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे निधि धुरमुनिया, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों जेनिता जॉन फर्नांडिस। तो ये आपको ओपन करते हुए नज़र आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एन धुरमुनिया की, तो इनका रिकॉर्ड अगर यहाँ पे मिले तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि ये आज के मैच ना खेलें, तो आप चाहें तो इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे जे जॉन फर्नांडिस के साथ जाऊंगा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि तीन जो इनके मैचेस रहे थे वहाँ पे इनका स्कोर ये कुछ था 0-0-0, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छी हैं, हो सकता है कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करें। और ODI है तो अपना समय लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगी। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आएगा जयश्री जडेजा का, दूसरा नाम है यहाँ पर दोस्तों एम जडेजा का। तो इनका परफॉर्मेंस आप देखिए, एम जडेजा का यहाँ पे 53x42, तो यानी अच्छी परफॉर्मर है, परफॉर्म करके देंगी, आप इनको पिक करिए। दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों करिश्मा कदर भाई तंग की, तो इनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आएगी पूजा निवावत, इनके बारे में मैंने आपको बताया, अच्छी परफॉर्मर, इनको पिक करिए। नीचे देखिए काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, रीना सवासदिया, इनका भी रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया यहाँ पे रीना सवासदिया का 33-9-22, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी यहाँ पे पिक करके चलिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मुझे और कोई प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जिसके साथ यहाँ पर मैं जा सकूँ। तो बैटिंग सेक्शन से जो तीन मेन बैट्समैन थे मैंने इनको यहाँ पर पिक कर लिया, इनके अलावा मुझे और कोई बैट्समैन यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जिसको मैं पिक करके जा सकूँ। बाकी आप चाहें तो बड़ौदा की ओर से कुछ प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं, जैसे श्रुति हो गई हैं, BD श्रुति, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से और कोई प्लेयर पिक करने वाला नहीं हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ, चावड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धाबी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यहाँ पे T. इस्माइल शेख भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए एक और प्लेयर हैं T. पठान, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि इनका भी रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया T. पठान का, लगातार बॉलिंग इन्होंने की हुई है। और यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं T. धरानी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑलराउंडर्स को पिक कर पाएंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करना होगा। तो यहाँ पर मैं चलिए अपनी टीम में सवासदिया को ड्रॉप कर देता हूँ और इनकी जगह पर मैं यहाँ पे T. पठान को पिक कर लेता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर लेना चाहें तो ध्रुवी मुकेश भाई पटेल को भी यहाँ पर पिक करके चल सकते हैं। बॉलिंग की मैं बात करूँ तो राधा यादव खेलने वाली नहीं है, आप इनको मत पिक करिएगा। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पहले मैं देख लेता हूँ पठान की पिक यहाँ पर कहाँ पर है, D. धरानी की पिक, बाकी दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे, हमारे नौजा हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, उसके अलावा एनौजा का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड सौराष्ट्र की ओर से आएंगी, एनौजा 2 विकेट हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट बॉलर जैसे केशा हो गई, रेखा हो गई, मोहिते हो गए हैं, तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो यहाँ पे मुदवादिया को भी पिक कर सकते हो। जो लास्ट मेरी पिक हो सकती है वो यहाँ पे शायद मैं यहाँ पे RTP को अपनी टीम में ट्राई कर लूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो टीम है वो तैयार हो चुकी है।
मैंने अपनी इस टीम में 6 प्लेयर रखे हैं सौराष्ट्र के, 5 प्लेयर रखे हैं मैंने अपनी टीम बड़ौदा के। कॉम्बिनेशन देखिए, मैंने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। इसके अलावा मैं बात करूँ अपनी इस टीम में मैं किस प्लेयर को एज अ कैप्टन और किस प्लेयर को मैं एज अ वाइस कैप्टन पिक करूँगा, तो कैप्टन यहाँ पर देखिए जो बेस्ट चॉइस आपके लिए कैप्टन की रहेगी, तो देखिए जिसका भी हाई सिलेक्शन था मैंने उसको अपनी टीम में पिक नहीं किया है, वो चाहे ऑलराउंडर सेक्शन में कोई सी प्लेयर का हो या फिर बैटिंग सेक्शन में, यहाँ पे जडेजा क्या हो या फिर केदार इनका हो, भाई तंग का, इनको भी आप चाहें तो पिक कर सकते हैं किसी प्लेयर की जगह पर। तो मैं अपनी टीम में कैप्टन जो है वो बनाऊँगा यहाँ पर टी इस्माइल शेख को, और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं अरधाबी को बनाऊँगा। तो ये मेरे दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। तो मैं दोस्तों अपनी टीम को सेव कर देता हूं, आप लोग हमारी टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लीजिए, और जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वो वहां पर आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं खेलता आफ्टर लाइनअप पे टॉस के बाद, तो जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी के समय हमारे चैनल पर 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर बोली गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाओगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में चैनल का नहीं मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों एक काम कर लेना। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच को कवर करते हुए। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हों जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट हो ऑलवेज विन करें हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारी टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।